जंग में साबक एमपीए इफ्तिखार अहमद पर नामालूम अफराद के तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई, जिस पर वजीर आला ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजी पंजाब से वाकया की रिपोर्ट तलब कर ली है। साबक एमपीए पर पुरतशद्दुद की वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलजमान ने तशद्दुद करते हुए इफ्तिखार अहमद के कपड़े फाड़ दिए। वीडियो में वो मुलजमान से माफी मांगते हुए भी दिखाई देते हैं। इफ्तिखार बलोच हालिया जिमनी इंतखाब में हल्का पीपी 125 से आजाद उम्मीदवार थे। इनके साथ आज पेश आने वाले तशद्दुद के वाकये पर इन्होंने किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। पुलिस के मुताबिक एसपी इन्वेस्टिगेशन उस्मान मुनीर सैफी ने इफ्तिखार अहमद बलोच से मुलाकात करके इन्हें वाकये में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का यकीन दिलाया, लेकिन इफ्तिखार बलोच ने किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। पुलिस के मुताबिक इफ्तिखार बलोच पर तशद्दुद के वाकये में मुलव्वस मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई है। तशद्दुद में मुलव्वस मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। दूसरी जानिब पंजाब ने साबक एमपीए इफ्तिखार अहमद पर तशद्दुद का वाकया पर नोटिस लेते हुए आईजी पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली और मुल्जमान की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाने के अहकाम जारी कर दिए हैं।